हाय चिल्ड्रेन, तो आज हम शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम देख रहे थे मेजरमेंट ऑफ करंट और इन जनरल पर रहे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ करंट, मींस टू गिव द मेजरमेंट ऑफ करंट। उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन और है, एक दो ठो क्वेश्चन हम देखते हैं। मीन्स हम पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ चार्ज का, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आई इक्वल टू डी क्यू बाय डीटी, अगर क्यू निकालना था तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डीटी से बनाते थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ अ वायर, कोई भी एक वायर है, ये कंडक्टर है, इसमें से चार्ज जो फ्लो कर रहा है दिया हुआ है 5t² + 3t + 1 कूलम। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन टी इक्वल टू 5 सेकेंड में, आई का वैल्यू कहता है क्या होगा आफ्टर टी इक्वल टू 5 सेकेंड। क्या देखो तो यहां पे चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है? नहीं, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जब टी का वैल्यू 0 होगा तो चार्ज 1 कूलम, टी का वैल्यू 1 तो 53819 कूलम, 2 देंगे तो कुछ और होगा, 3 देंगे तो कुछ और होगा। मीन्स दिस इज नॉट अ कांस्टेंट करंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। मीन्स हम जानते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, तो डी क्यू के बदले में क्या लिखे 5t² / dt + 3d³² / dt + d, यहां 1 है बाय डी टी। हम यहां पे इसको करते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, dt² / dt लिखते हैं, प्लस 3 इधर ले आते हैं, यहां टी है, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ टी है, dt / dt, और 1 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा मेरा 60 + 3, इतना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करंट इन 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालना है, सो आई इक्वल टू 6 × टी का वैल्यू कितना 5 + 3 मीन्स 30 + 3 मीन्स 33 एम्पेयर आंसर होता। क्लियर है? कितना होगा 33 एम्पेयर। यहां देखो तो ये 5 × 10 होगा ना, यहाँ पे 10t, 5 यहाँ पे है तो 5 × 10t होगा, 5 × 10t + 3 तो हो जाएगा 10, टी का वैल्यू कितना 5, तो 5 + 3 सॉरी यहाँ पे 53 एम्पियर होता है। क्लियर है? 53 एम्पियर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखेंगे बनाएंगे, आप लोग लाए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द करेंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज, एक वायर है इसमें करेंट फ्लो कर रहा है, जो आई का वैल्यू दिया हुआ मेरा i0 + αt, जहां आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 10 एम्पेयर और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पेयर/सेकेंड। क्लियर है? कहता फाइंड द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 10 सेकेंड, कहता इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है t = 10 सेकेंड में। मीन्स ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है i = i0 + αt, और आफ्टर t = 10 सेकेंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। वी नो दैट i = dq/dt = i0 + αt, सो dq = i0 dt,
और प्लस अल्फा टी डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, जीरो से लेके टेन सेकेंड, जीरो से टेन, जीरो से टेन। डी क्यू का क्या हो जाता है क्यू, दिस इज आई नॉट, डी टी का हो जाएगा टी, जीरो से कितना टेन प्लस अल्फा, ये कितना हो जाएगा टी डी टी का टी स्क्वायर बाय टू, जीरो से कहां तक टेन। क्लियर है? सो क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा टेन आई नॉट प्लस अल्फा बाय टू, टेन टेन जा हंड्रेड। क्लियर है? सो क्यू इक्वल टू टेन आई नॉट प्लस फिफ्टी अल्फा, एंड टेन आई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है टेन दिया हुआ है, प्लस फिफ्टी अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है फोर, मीन्स टेन टेन जा हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड मीन्स थ्री हंड्रेड कूलम्ब होता। क्लियर है? कितना होता मेरा 300 कूलम। ये करंट का भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, t इक्वल टू जीरो सेकेंड पे करंट का वैल्यू कितना है, t इक्वल टू जीरो सेकेंड पे करंट का वैल्यू i इक्वल टू i नॉट है। क्लियर है? सो योर चार्ज इज 300 कूलम। क्लियर है यहां तक? चले आगे, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ चार्ज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट नंबर में हम पढ़े हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स इन जनरल हमने देखा, हम क्या पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ आई मीन्स करेंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट नंबर हमने देख लिया इन जनरल जो था मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नंबर बी में देखते हैं इन सॉलिड इसमें होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टू गिव द मेजरमेंट ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स I इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इज रिटेन एज एन ई बाई टी वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और टी मेरा क्या है टाइम है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम्पेयर। क्लियर है? सॉलिड में इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है इफ 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एक कंडक्टर है इसमें पास कर रहा है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड में, तो कह रहा है इसमें करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। सिंपल से है, आई इक्वल टू हमने पढ़ा है एन ई बाय टी, एन कितना है 10 टू द पावर 20, E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और T दिया हुआ मेरा 0.1, ये कैंसिल, ये हो जाता मेरा 16 इंटू 10 मीन्स 160 एम्पेयर करंट होता। क्लियर है यहां तक? कितना करंट का वैल्यू होता 160 एम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है, कहता है सो दैट वन एम्पेयर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ इतना इलेक्ट्रिसिटी ऑफ चार्ज, कहता प्रूफ करके बताइए, शो करके बताइए। ठीक है, वन एम्पेयर जब आई का वैल्यू जो है मेरा वन एम्पेयर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 होगा, कहता प्रूफ करके बताइए अगर ये कोई भी कंडक्टर है जिसमें I इक्वल टू 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इतना पर सेकेंड जा रहा होगा, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इतना। हम क्या करते हैं I इक्वल टू हमने पढ़ा किया एन ई बाय टी, तो एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी, सो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी बाई ई,
तो आई कितना है वन, टी का वैल्यू भी वन, ये कितना 1.6 इंटू 10^-19, सो दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10^18 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ द करेंट इज इतना एम्पियर। कोई भी एक लैंप है जिसमें करेंट फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन है एक लैंप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 300 मिली एम्पियर, क्लियर है, और टी इक्वल टू 60 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा। मींस एक लैंप में कितना करंट चल रहा है 300 मिली एम्पियर, टी इक्वल टू 60 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। मींस आई इक्वल टू हमने पढ़ा एन ई बाय टी, सो एन इक्वल टू आई टी बाय ई, आई कितना है 300 मिली एम्पियर को बदल दिया 10^-3, टी दिया हुआ है 60, ये कितना तो 1.6 इंटू 10^-19, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, 1, 2, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, मींस 18 हो जाएगा। एक ही बार लिख देता हूं, 18 बाय 1.6 ये चला जाएगा 10^, ये प्लस में हो जाएगा 19, अब इसको डिवाइड कर दो इतना ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो थ्रू अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। एक बल्ब है, इस तरह से एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब का ये फिलामेंट है और इस बल्ब पे लिखा हुआ 120 वोल्ट एंड 60 वाट और ये एक सेल से कनेक्ट, क्लियर, और गिवन है, और इसका पावर का जो फॉर्मूला होता है दिस इज गिवन, कहता है पावर दिया हुआ है वी आई, तो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब पर सेकेंड। एक सेकेंड में बल्ब के फिलामेंट से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है निकालना है, कोशिश कीजिए अपने से। पहले हम क्या करते हैं, पहले करंट निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाय वी, पावर कितना दिया हुआ है 60 वाट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 120, ये कैंसिल 1/2 मीन्स 0.5 एम्पेयर। अब हम जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इक्वल टू एन ई बाय टी, सो एन इक्वल टू आई टी बाय ई, आई कितना है 0.5, ये कितना है 1 है, ये कितना है 1.6 इंटू 10^-19, ये हो जाता है 0.5 और ये हो जाता है 6.25 इंटू 10^18 हो जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, मीन्स 1/ इतना को डिवाइड करते हैं तो ये वाला चीज आता है। क्लियर है, चलते हैं आगे। हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट में पढ़े थे इन जनरल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सेकेंड में पढ़े थे हम इन सॉलिड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर थर्ड में सी में देखते हैं इन लिक्विड एंड इन गैस। इसमें कैसे मेजर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, इसमें होगा रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, क्लियर है, मीन्स आई इक्वल टू होगा मेरा एन पी प्लस एन एन इंटू ई बाई टी, मीन्स एन पी जो है मेरा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और एन एन जो है मेरा नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस और टी क्या है टाइम है। क्लियर है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया
एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस लेफ्ट से राइट जा रहा है 10^8 और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस राइट से लेफ्ट जा रहा है Nn 2×10^8। तो कहता है इसमें करंट का मैग्नीट्यूड बताइए एंड डायरेक्शन। आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए करंट का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जाता है। तो करंट का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इनटू ई बाय टी और टी दे रखा है मान लीजिए 2 सेकेंड में। तो आई इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कितना है 10^8 और प्लस ये 2×10^8। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6×10^-19, ये कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड t। सो I इज इक्वल टू 2 को कॉमन को बाहर कर लेंगे तो 2×3×10^8 हो जाएगा, ये 1.6×10^-19/2 इसको कटा दिया 0.8 बार में कैंसिल, 8 को 3 बार में 2.4×, यहां से चला जाएगा 10^-11 एम्पियर हो जाता, किधर से किधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, चले आगे चलता हूं आगे, क्लियर है। ये मेरा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट देखा कितने तरीके का था, एक बार शॉर्ट आउट कर लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट इन जनरल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन सॉलिड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन लिक्विड एंड गैस रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। एक क्वेश्चन देते हैं, ये कोई भी एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई जिसका वैल्यू है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट का वैल्यू दे रखा है और आप जानते हो 11th में पढ़ा है एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है, मीन्स ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी जो है मेरा एंगल है। अब देखिए ये करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यहां पे चेक करते हैं, यहां पे ओमेगा टी यहां पे आई, अगर हम 0 डिग्री ले लें, 90 डिग्री ले लें, 180 डिग्री ले लें, 270 डिग्री ले लें और 360 डिग्री ले लें, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 90 का 1, तो यहां पे क्या होगा आई नॉट, 180 का क्या होता है 0 तो 0, 270 का -1 तो -I0, फिर 360 का क्या होता है 0, मीन्स इसको जो हम ग्राफ पे दिखाएंगे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को, अगर ये मेरा I है इस एक्सिस पे T लिया मीन्स ओमेगा टी, इसका ग्राफ का नेचर इस तरह का आएगा, मीन्स ये मेरा कितना है 0 डिग्री, यहां पे कितना डिग्री 90 डिग्री, यहां पे कितना डिग्री 180 डिग्री, यहां पे कितना 270 डिग्री, यहां पे कितना है 360 डिग्री, मीन्स इस तरह से करंट चेंज कर रहा है, मीन्स 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर 0, क्लियर है, मीन्स करंट इस तरह से चेंज कर रहा है। क्या ये कांस्टेंट करंट है, नहीं कांस्टेंट करंट नहीं है, मीन्स अगर किस टोटल टाइम को यहां से यहां जाने के टाइम को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम, ये वेव का इक्वेशन आ गया, कैसा आ गया है वेव के जैसा आ रहा है, अगर यहां से यहां तक का टाइम ले तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड का हाफ, क्लियर है, ये क्या होगा टाइम पीरियड का हाफ। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको Q इक्वल टू क्या होगा इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो हाफ साइकिल कहां से कहां तक होगा 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, तो आपके पास गिवेन इक्वेशन क्या है, योर गिवेन इक्वेशन इज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई को हम लिखेंगे क्या डी क्यू बाय डी टी, दिस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी
डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी बाई टू, क्योंकि हाफ साइकिल में पूछ रहा है, हाफ साइकिल में यहां से यहां जाएंगे कितना होगा, जीरो से लेके टी बाई टू। डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू, ये हो जाएगा आई नॉट, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, क्लियर है, जीरो से लेके टी बाय टू। सो क्यू इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा, यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा के बदले में हम लिख देते हैं टू पाई बाय टी, और इसका वैल्यू मेरा टी के बदले में लिखेंगे टी बाय टू, माइनस माइनस प्लस कॉस कितना डिग्री, जीरो डिग्री। अब आप देखो ये टू से टू कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्यू इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा, कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस माइनस वन प्लस कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू वन, तो माइनस माइनस प्लस, सो योर आंसर इज टू आई नॉट बाय ओमेगा। अब आई नॉट के बदले में कुछ गिवेन रहता, ओमेगा के बदले में कुछ गिवेन रहता, इतना कुलम चार्ज हो जाता, क्लियर है, क्लियर है। चले आगे, आगे में कह रहा है ये हाफ साइकिल में हमने निकाला, नंबर टू में कह रहा है इन फुल साइकिल, इन फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब यहां से लेके यहां तक, दिस इज फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में सब कुछ वही रहेगा, आप देख लो, एकदम आसान है। ये गिवन इक्वेशन क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो आई इज रिटेन एज डी क्यू बाय डी टी, दिस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से टी तक, कहे कि फुल साइकिल में निकालने के लिए कह रहा है, तो पूरे साइकिल में लगे टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। जीरो से टी तक इंटीग्रेट करेंगे, डी क्यू का क्यू, दिस इज आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये क्या हो जाएगा आई नॉट बाय ओमेगा, जीरो से टी तक जा रहे, और यहां हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा के बदले में हम लिख देता हूं टू बाय टी, और ये दिया हुआ है मेरा कितना टी, क्लियर है, और प्लस कॉस जीरो डिग्री, क्लियर है। सो क्यू इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा माइनस कॉस टू पाई प्लस कॉस जीरो डिग्री, कह कि यहां से टी टी कैंसिल, और कॉस टू पाई का वैल्यू, कॉस का ग्राफ बताए हैं इलेवेंथ में इस तरह से, कॉस टू पाई का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कॉस का क्या होगा वन, तो यहां पर हो जाएगा वन, यहां माइनस है तो माइनस वन, कॉस जीरो डिग्री का वन, यहां पर हो जाएगा वन, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। सो फुल साइकिल में चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, मींस हाफ साइकिल में चार्ज का वैल्यू आया था मेरा टू आई नॉट बाय ओमेगा, और फुल साइकिल में चार्ज का वैल्यू क्या आया मेरा जीरो, क्लियर है यहां तक। तो हम पढ़ रहे मेजरमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट नंबर में हमने देखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस इन जनरल, एंड सेकंड नंबर में था इन सॉलिड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड नंबर में हमने देखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इन लिक्विड एंड गैस, एंड उस पर बेस्ड क्या दे रहा हूं, प्रॉब्लम है। तो चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन है आपको, करंट और टाइम ग्राफ गिवेन है, इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे करंट है, करंट और टाइम ग्राफ इस तरह से गिवेन है ऐसे, और ये गिवेन है, यहां पे लिखो जीरो, यहां पे फाइव सेकेंड, ये टेन सेकेंड, और यहां पे करंट का वैल्यू फाइव एम्पियर दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज इन टेन सेकेंड, क्यू इक्वल टू वाट, कितना देर में, इन टी इक्वल टू टेन सेकेंड। आप देखो कौन सा ग्राफ है, करंट और टाइम का ग्राफ है। आप देखो यहां पे
हमने पढ़ा है I इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्यू इक्वल टू आई टी मीन्स आई इंटू टी। आप याद रखोगे यहां पे एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ टू गिव द मेजरमेंट ऑफ चार्ज। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो ये वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा 1/2, बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 5, ताकि ट्रायंगल है, फिर ये मेरा क्या है रेक्टेंगल है, प्लस ये कितना होगा यहां से यहां तक मीन्स स्क्वायर बन गया, समझ लीजिए 10 में से 5 चला जाएगा तो 5, ये हाइट कितना है 5, ये मेरा कितना है 25/2 हुआ प्लस 25 मीन्स 25 + 50/2 मीन्स 75/2 कूलम चार्ज होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक भी बताएंगे। तो बाय।